जिस हार्दिक पांड्या का मुंबई के वानखेड़े में मजाक उड़ाया गया था, वहां पर उनकी जमकर बेइज्जती की गई थी, उसी हार्दिक पांड्या ने भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया है। अब खुद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बेहद भावुक होते हुए हार्दिक पांड्या पर ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद सच में आप भी इमोशनल हो जाएंगे। टीम इंडिया चैंपियन बनी है तो हार्दिक पांड्या की बदौलत, ऐसा मानना है रोहित शर्मा का। तो क्या बोला है रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या के लिए, आइए चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनने के बाद पूरी टीम इंडिया का इस तरीके से स्वागत किया गया जैसा कप्तान रोहित शर्मा ने भी नहीं सोचा था। हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव से लेकर पूरी की पूरी भारतीय टीम का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। दिल्ली में ढोल नगाड़े पर डांस करने के बाद भारतीय टीम ने प्रधानमंत्री के साथ ब्रेकफास्ट भी किया। उसके बाद मुंबई के मरीन ड्राइव पर तो लाखों की भीड़ में लोग भारतीय टीम का इंतजार कर रहे थे और वो पूरी टीम भारतीय टीम के साथ चलते चलते वानखेड़े पहुंची। वानखेड़े स्टेडियम में लाखों की तादाद में लोग भारतीय टीम को सेलिब्रेट करने आए थे, भारतीय टीम की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने आए थे। हर तरफ रोहित, हार्दिक, कोहली, बुमराह, सूर्या, सबका नाम गूंज रहा था। इसके बाद जब विक्ट्री सेलिब्रेशन में कप्तान रोहित शर्मा बयान देने आए, टीम इंडिया को लेकर बात करने आए, तब उन्होंने हार्दिक पांड्या को लेकर ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर सभी इमोशनल हो गए। रोहित शर्मा ने तो पहले पूरी टीम की तारीफ की, उन्होंने कहा ये स्पेशल टीम है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ की इस टीम का कप्तान हूँ। उसके बाद उन्होंने पूरे देश को ट्रॉफी को डेडिकेट किया, उन्होंने कहा ये ट्रॉफी पूरे देश की है। इसके बाद अचानक से वानखेड़े के स्टेडियम में हार्दिक हार्दिक के नाम के नारे गूंजने लगे। ये वही स्टेडियम था जहां पर पहले हार्दिक पांड्या का इंसल्ट किया गया था। ये सुनते ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, हार्दिक ने काफी कुछ झेला है, पिछला कुछ वक्त उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उसने कमबैक किया। 2023 के वर्ल्ड कप में उसे चोट लगी थी और आज अगर हमारे हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है तो हार्दिक पांड्या की वजह से। अगर उसने आखिरी ओवर अच्छा नहीं डाला होता तो शायद ट्रॉफी हमारे पास नहीं होती। हैट्स ऑफ टू यू हार्दिक पांड्या। दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ की। हार्दिक पांड्या के लिए रोहित बेहद इमोशनल दिखाई दिए। रोहित शर्मा ने पूरी टीम की तारीफ की, सूर्या, विराट कोहली से लेकर पूरी की पूरी भारतीय टीम को जीत का क्रेडिट दिया। उनका मानना था कि इस टीम के बिना ये ट्रॉफी संभव ही नहीं थी। तो दोस्तों, आप रोहित शर्मा की इस महानता को 10 में से कितने नंबर देंगे? आपके हिसाब से सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है जीत का असली हीरो? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।